हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, हैमेट इक्वेशन। हैमेट इक्वेशन एमएससी में बहुत पूछा जाता है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रिएक्शन कांस्टेंट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट क्या है, हैमेट इक्वेशन के बारे में डिस्क्राइब हैमेट इक्वेशन, ये सब आता है। राइट, सो हम जो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, यू कैन टेक देम डाउन, राइट, ताकि आप एग्जाम में इसको अच्छे से समझ के लिख सकें। राइट, और जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, एक्चुअल में ये चीज़ें हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। राइट, अगर आपको ध्यान में है अच्छे से, जो हमने ट्वेल्थ से पढ़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसको देख सकते हैं जाके। आप मेरे दूसरे लेक्चर चैनल पे जाके, ट्वेल्थ क्लास के लेक्चर्स में जाके एसिडिटीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स देख सकते हैं। राइट, सो दिस इक्वेशन, सबसे पहले हैमेट इक्वेशन इज ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड और डिराइव्ड हैमेट इक्वेशन। हिज नेम वॉज लुइस पी हैमेट। नेम ऑफ द साइंटिस्ट वॉज लुइस पी हैमेट। राइट, ही गेव दिस इक्वेशन इन द ईयर 1935 इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया। राइट, ये सब आप लिखना एज द फर्स्ट पॉइंट, गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। अब देखिए एक चीज, हैमेट इक्वेशन किस पे बेस्ड है? हैमेट इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द एसिडिटीज ऑफ मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स। राइट, आई जस्ट मेंशन इट ओवर हियर, दिस इक्वेशन, इसमें हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो जरूरी लिखने हैं। दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स। राइट, एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड और एलिफेटिक एस्टर्स या एसिड्स के केस में हैमेट इक्वेशन अप्लाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि देयर स्टेरिक फैक्टर्स डेवलप। राइट, हमें पता है ये जो कंपाउंड है इस तरह का, ये जो कंपाउंड होता था, हम ट्वेल्थ में कहते थे नो मैटर व्हाट, इसमें एक ऑर्थो इफेक्ट हम पढ़ते थे, नो मैटर व्हाट ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगी ड्यू टू रीजंस ऑफ इंडक्टिव एंड योर इंडक्टिव एंड स्टेरिक फैक्टर्स। राइट, इसीलिए ये कंपाउंड्स हैमेट इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। सिमिलरली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स और एलिफेटिक एस्टर्स, एलिफेटिक एस्टर्स क्यों नहीं इन्वॉल्व होंगे? क्योंकि उनमें भी डिफरेंट चेन कॉन्फॉर्मेशंस होती हैं, चेन कॉन्फॉर्मेशन डिफरेंट होंगी तो ट्रैफिक होगा आसपास। राइट, रिएक्शन साइट के पास या जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसके आसपास ट्रैफिक होगा, स्टेरिक क्राउडिंग होगी, जिसकी वजह से रिएक्शंस पे इफेक्ट पड़ता है। राइट, सो ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर्स योर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एंड योर एलिफेटिक एस्टर्स डज नॉट फॉलो हैमेट इक्वेशन। राइट, ये जब स्टेरिक फैक्टर्स पिक्चर में आते हैं तो हमारे पास उस केस में एक डिफरेंट इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं टाफ्ट इक्वेशन। राइट, टाफ्ट इक्वेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाफ्ट इक्वेशन क्या है। राइट, एंड इट डज नॉट अप्लाई टू ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एंड योर एलिफेटिक एस्टर्स। ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर्स। राइट, इनके केस में जो इक्वेशन होगी उसको हम बोलेंगे टाफ्ट इक्वेशन। राइट, अब एक चीज देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें डिस्कस करनी है यहां पे, हैमेट इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं बेसिकली? हैमेट इक्वेशन में हमें पता है जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, राइट, ये अगर आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट, सॉरी, ये आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमने पढ़ा है ट्वेल्थ से। अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर देता हूँ तो इसकी एसिडिटी पे फर्क पड़ता है, ये ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, हमने पढ़ा था ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर देता हूँ मिथाइल ग्रुप या मिथॉक्सी ग्रुप, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ये इसकी एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है, राइट। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जिसकी वजह से एसिडिटी इंक्रीज हो रही है और बढ़ रही है, राइट, इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है, सॉरी। अब हैमेट इक्वेशन में हम इन सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट्स को क्वांटिफाई कर रहे हैं, इनका क्वांटिटेटिव फॉर्म देखेंगे। जब हम क्वांटिटेटिव फॉर्म की बात करते हैं तो हम इक्वेशंस और नंबर्स पे आ जाते हैं, इसलिए हम हैमेट इक्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो हैमेट इक्वेशन इज एन अटेम्प्ट टू क्वांटिफाई द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। सो योर हैमेट इक्वेशन इज एन अटेम्प्ट टू क्वांटिफाई the effect of substituents on acidities of meta and para substituted benzoic acids, right। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन को आप रट लें सिग्मा रो, राइट। देखिए के एक्स क्या है, के एक्स इज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए जब एसिडिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो हम एसिड बेस इक्विलिब्रिया भी तो चेंज होता है, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की बात करूं, इसकी यहां पे बनेगा आपका कार्बोक्सिलेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। अब मैंने नाइट्रो ग्रुप ऐड करके इसमें नाइट्रो ग्रुप ऐड करा तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, राइट। अगर मैं मिथाइल ग्रुप ऐड करूंगा तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो ये जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होता है, जो होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C6H5COO and your hydrogen ion divided by C6H5COO, ये भी तो इफेक्ट होगा। ये KX है जब मैंने सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड ली और K है जब मैंने सिर्फ बेंजोइक एसिड ली, दोनों को कंपेयर कर रहा है ये, राइट। हमें यही देखना, इन्हीं का क्वांटिटेटिव इफेक्ट देखना है। इफेक्ट देखने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा जब ये सब्सटीट्यूएंट नहीं है तो एसिड की तो एसिडिटी कितनी है, या इसकी पीकेए वैल्यू के टर्म्स में हम एसिडिटी निकालते हैं, इसकी एसिडिटी कितनी है, राइट। अब देखिए जब मैंने सब्स्टिट्यूएंट ये ऐड किया तो मैंने कहा ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये आयन जो है, ये जो आयन है आपका, ये ज्यादा स्टेबल है, राइट। जब ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन आयन्स भी बढ़ जाएंगे। जब हाइड्रोजन आयन्स बढ़ जाएंगे तो एसिड की एसिडिटी वैल्यू बढ़ एसिडिटी बढ़ जाएगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, राइट। इसी तरीके से जब मिथाइल की बात करते हैं हम, ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब ऐड किया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर देता था कार्बोक्सिलेट आयन पे, अगर आपको याद हो हम बीएससी में पढ़ा है, ट्वेल्थ में पढ़ा है, राइट। तो ये डिस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, मतलब इन दोनों में ये ऊपर वाले कम हो रहे हैं तो के की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। सो एसिडिटी कम हो रही है, के की वैल्यू भी कम हो रही है, राइट। एसिडिटी कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं हम इसको, या इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। सो इसकी इसीलिए ये चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूएंट, राइट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में अच्छे से है तो आपके लिए ये बहुत इजी है, राइट। आई एम जस्ट रबिंग दिस ऑफ सबको समझाने के लिए। सो बेसिकली इन सब्स्टिट्यूएंट्स को हम क्वांटिटेटिव फॉर्म नंबर्स में हम बात करेंगे अब इन सब्स्टिट्यूएंट्स की, जो मिथाइल है, नाइट्रो ग्रुप है,
राइट मेथॉक्सी ग्रुप है, इनका हम एक वैल्यू निकालेंगे, राइट यही हैमेट इक्वेशन है, इनकी वैल्यू निकालनी ही हैमेट इक्वेशन है बेसिकली। अब देखिए यहाँ पे जो सिग्मा है, सिग्मा को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट, सिग्मा एस होता है ग्रीक लेटर एस होता है सिग्मा, एस से सब्स्टिट्यूएंट। सो हैमेट ने सिग्मा यूज किया क्योंकि एस इज फॉर सब्स्टिट्यूएंट, इसीलिए रो जो है आपका, ये है आपका रिएक्शन कांस्टेंट, राइट रो जो होता है एक्चुअल में ये ग्रीक लेटर आर होता है, इसीलिए रिएक्शन कांस्टेंट, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये पहले ही हमें लिखना चाहिए था वैसे, जो मैं अब लिख रहा हूं, इट्स अ लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशन लीनियर फ्री एनर्जी, ये लिखना है आपको एग्जाम में, लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशन। लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशन क्या होता है, जब हम रेट ऑफ रिएक्शंस मेजर करते हैं, राइट डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ दी सब्स्टिट्यूएंट्स, हमने देखा सब्स्टिट्यूएंट जब हम ऐड कर रहे थे तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही थी, राइट प्रोडक्ट्स की, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा था, राइट सो इस जब हम इस तरीके से देखते हैं, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स और द सब्स्टिट्यूएंट्स, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशन। जैसे जैसे हम सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो रहा है, तो दोनों के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं, दैट इज योर लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशन, राइट। सो हैमेट इक्वेशन सिग्मा रो रिलेशन इज अ लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशन, राइट। एंड दूसरा लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, विच इज योर टाफ्ट इक्वेशन, राइट। वो अलग इसलिए चली गई ड्यू टू ऑन स्टेरिक ग्राउंड्स, उसको अलग कर दिया, राइट। जो हैमेट ने ग्राफ बनाया था शुरू में वो ठीक से नहीं बन पाया, स्ट्रेट लाइन नहीं आई ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर्स, अभी हम देखते हैं क्या हुआ था शुरू में, राइट। आई होप ये सब आपको क्लियर है। एंड इट इज़ अ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, मैं जब स्ट्रक्चर चेंज कर रहा था, जब मैंने नाइट्रो ऐड किया, मिथाइल ऐड किया, बेसिकली मैं स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा हूँ बेंजोइक एसिड के, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी में चेंज हो रहा है, राइट। सो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी रिलेशन, राइट। सो बेसिकली इट इज अ स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी इक्वेशन या रिलेशन, राइट। जहां पे मैं कहता हूं, अगर मैं जैसे अगर CH3COH यहां पे मैं एक हाइड्रोजन हटा के मैं Cl ऐड कर देता हूं, राइट इथेनोइक एसिड में, ऐसे ही अगर मैं प्रोपेनोइक एसिड में भी Cl ऐड करता हूं तो उसमें भी सेम इफेक्ट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है Cl, राइट इफ यू रिमेंबर। तो अगर मैं इन दोनों के स्ट्रक्चर में सिमिलर चेंज कर रहा हूं तो सिमिलर इफेक्ट होगा, राइट अब देखिए व्हाट हैमेट डिड इनिशियली, ही टुक ऑर्थो मेटा पैरा एंड योर एलिफेटिक एस्टर्स या कंपाउंड्स, राइट। व्हाट ही डिड, उसने हैमेट ने लॉग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एसिडिटी, जो मैंने अभी आपको बताया था पीके के बीच में ग्राफ बनाया, एसिडिटी चेक करी, राइट बेस्ड ऑन दैट जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट चेंज किया तो एसिडिटी भी चेंज हो रही थी, राइट सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो रहा था। इसमें जब ग्राफ बनाया तो ग्राफ शुरू में सीधा नहीं आया, ऐसे कुछ स्कैटर्ड पॉइंट्स थे। तो लेटर व्हाट हैमेट नोटिस्ड, दीज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स हटाएं, जब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स हटाएं या एलिफेटिक एसिड्स पहले हटाएं, जब एलिफेटिक एसिड्स हटाएं, क्यों हटाएं, क्योंकि एलिफेटिक कंपाउंड्स में वेरियस कॉन्फॉर्मेशंस होती हैं चेन्स की, राइट जिसकी मतलब ब्रांच चेन्स होती हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स में, हमें पता है नियो आइसो, राइट तो उसकी वजह से स्टेरिक फैक्टर्स डेवलप हो जाते हैं इन द रिएक्शंस, तो उस वजह से ये ग्राफ इधर उधर जा रहा था। जब वो हटाई तो ग्राफ थोड़ा सा बेटर लुक दिखा, हल्का फुल्का स्ट्रेट हुआ,
और बाद में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स भी हटा दी राइट अपने एक्सपेरिमेंट में से, तो ऑलमोस्ट बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं आया था ये ग्राफ, कुछ ऐसा ऐसा दिखा राइट। ये था इनिशियली राइट, दैट इज वाई हम एलिफेटिक एस्टर्स नहीं लेंगे यहाँ पे और हम ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स नहीं लेंगे, क्योंकि उनमें स्टेरिक फैक्टर होता है और उस पर हैमेट इक्वेशन अप्लाई नहीं होती है राइट। आई होप यहां तक एवरीथिंग इज क्लियर राइट। अब हम आ जाते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं राइट। तो यहां पे ये तो था आपका, अब हम सिग्मा कॉन्स्टिट सिग्मा और रो के बारे में बात करते हैं थोड़ी राइट। सिग्मा इज योर सब्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टेंट, आर इज योर रिएक्शन कॉन्स्टेंट। देखिए मैंने ली बेंजोइक एसिड, इसको मैंने हाइड्रोलाइज किया, ये आयन मिला प्लस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी प्लस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब मैंने क्या किया, इसी में मैंने क्या करा, नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिया, इसको वाटर में डाला तो ये, तो मुझे ये आयन मिला जो ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पे, जो नेगेटिव चार्ज है कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजन पे, ये रिंग में क्या कर देता है, डीलोकलाइज कर देता है नाइट्रो ग्रुप, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है राइट। अब देखिए इसकी वजह से चेंज हो रहा है, नाइट्रो ग्रुप की वजह से इसकी एसिडिटी चेंज हुई और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। अगर हम इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेट से ए इसको बोलते हैं, बी इसको बोलते हैं, ए इसको बोलते हैं सॉरी बी एंड से सी टू सेव टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी सी राइट। जब अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ली तो ये लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस राइट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, हाइड्रोजन आइंस यहाँ पे हाइड्रोजन ही लिख लेते हैं, हाइड्रोजन आइंस भी कम है तो ये लेस एसिडिक है। जब मैंने यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिया, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, नाइट्रो ग्रुप ने क्या करा, इट डीलोकलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजन और इस आयन को ज़्यादा स्टेबल कर दिया। जब ये ज़्यादा स्टेबल हो गया तो बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, यहाँ पे बी ये है या यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे जो है आपका जो बी है आपका, बी है आपका ये आयन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा स्टेबल है तो हाइड्रोजन आयन्स भी ज़्यादा हैं, ये भी इसकी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है, तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट या एसिडिटी कॉन्स्टेंट इसका ज़्यादा होगा राइट, ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज टू रिएक्टेंट। रिएक्शन फेवर हो रहा है, रिएक्शन प्रोडक्ट साइड पे जा रहा है राइट। अब देखिए ये हुआ क्यों, ये हुआ क्यों, बिकॉज ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट राइट। अब इस सब्स्टिट्यूएंट को हमें क्वांटिफाई करना है, इफ यू रिमेंबर हैमेट इक्वेशन में, इसको क्वांटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्वांटिफाई करने के लिए एक रिलेशन होता है लॉग के, सॉरी एक रिलेशन होता है, आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है, इलेवेंथ ट्वेल्थ में पढ़ते आ रहे हैं पी के ए इज इक्वल्स टू माइनस लॉग के राइट। अब देखिए ये होता है, ये एसिडिटी को डिटरमिन करता था, अगर आपको याद है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में पढ़ते थे क्लोरोएसिटिक एसिड का पी के वैल्यू कम क्यों है एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड राइट, जिसका पी के वैल्यू कम होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पे इसका पी के वैल्यू कम होगा राइट, इस वाले कंपाउंड का इसका जो पी के वैल्यू वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू पी के ऑफ दिस बेंजोइक एसिड राइट। पी के जो है इस बेंजोइक एसिड का अनसब्स्टिट्यूटेड का है राइट, तो ये ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि इसीलिए इसका पी के जो है सॉरी कम होगा राइट, इसका पी के कम होगा एज कंपेयर टू दिस राइट।
क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा है इसका, अगर मैं यहाँ पे ये रखता हूँ तो पी के लेस नेगेटिव हो, मोर नेगेटिव हो जाता है, राइट, वैल्यू उसकी कम हो जाती है. बेस्ड ऑन दिस, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा है तो इसका पी के कम होगा, राइट. ये सब हमने 11th में पढ़ाया फिजिकल केमिस्ट्री में, ये सब आपको आना चाहिए, राइट. सो अब हमें सिग्मा की वैल्यू निकालनी है. यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सिग्मा एक्स लेते हैं हम इसको. सिग्मा की वैल्यू हम देखिए, हमें एसिडिटी की वैल्यू पता लग जाएगी, पी के ए की वैल्यू पता लग जाएगी. अगर हमें पी के ए की वैल्यू पता लग गई, अगर पी के ए की वैल्यू में जो चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ जाने में, जो पी के ए की वैल्यू में चेंज हो रहा है वो इस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से हो रहा है. सो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमें इस सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू दे देगा, राइट. सो हैमिट ने पी के ए वैल्यू ना यूज़ करके ही स्पेसिफिकली इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करी इस हैमिट इक्वेशन से. ही यूज द वैल्यू फॉर दिस सब्स्टिट्यूएंट ओनली, राइट. और सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इस पे डिपेंड करती है, कंपाउंड पे, राइट. सो इसकी जो वैल्यू होगी वो पी के ऑफ बेंजोइक एसिड, इसको ऐसे लिख लेते हैं, C6H5COOH माइनस पी के ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, एक्स ले लेते हैं इसको, राइट. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. अब देखिए जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, इसकी वैल्यू देखिए, ये इसकी वैल्यू देखिए, बेंजोइक एसिड क्या है, ज्यादा एसिडिक है, राइट. अब कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट ऐड करने से यहाँ पे ध्यान रखना ज्यादा एसिडिक हुआ, और ये सब्स्टिट्यूएंट क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, राइट. जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट था, इसने एसिडिटी बढ़ा दी, इसकी एसिडिटी ज्यादा है सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की. पी के वैल्यू इसकी कम है, ये वाला टर्म कम है, ये वाला टर्म ज्यादा है, राइट. सो सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा एनओ टू की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, राइट. इसी तरह से अगर मान लिया जाता है मैं यहाँ पे मिथाइल ऐड कर देता हूँ, ये सब हटा के मैं मिथाइल ऐड कर देता हूँ, तो उल्टा इफेक्ट होगा, राइट. मिथाइल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये इस पे नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई कर देगा. जब नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई कर देगा तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा. लेस स्टेबल होने का मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगी, राइट. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी. जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो पी के की वैल्यू क्या होगी, इसकी पी के की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी पी के की वैल्यू बढ़ जाएगी कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, अनसब्स्टिट्यूटेड एसिड. तो देखिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है जब एक्स आपका क्या है, मिथाइल है, राइट. जब देखिए आपका एक्स मिथाइल है तो ये वैल्यू ज़्यादा है, और ये वैल्यू जो है आपकी ज़्यादा है, और ये वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू कम है, बेंजोइक एसिड की वैल्यू कम है क्योंकि वो मोर एसिडिक है. इसकी वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि ये लेस एसिडिक है इन केस ऑफ मिथाइल. तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, राइट. सो इन हैमिट इक्वेशन जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपको लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट के बारे में. हैमिट इक्वेशन अगर आई या सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट के बारे में पूछा, दैट फॉर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट, ये है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप जो था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट, वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट सिग्मा इज पॉजिटिव एंड इज नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट. और हम स्टैंडर्ड जो लेते हैं वो लेते हैं हम हाइड्रोजन का. अगर हाइड्रोजन है सब तो सिग्मा की वैल्यू जीरो होती है, राइट. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको आना चाहिए. अब देखिए इसका इफेक्ट रिएक्शन पे क्या होता है. अगर मैंने सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया, राइट, तो ये इक्विलिब्रियम एसिड बेस, ये पूरा इक्विलिब्रियम चेंज हुआ. यहां पे इस नाइट्रो के केस में प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई थी, राइट. और जब मैंने मिथाइल ऐड किया तो प्रोडक्ट, तो रिएक्शन जो था पीछे की तरफ फेवर हो गया था क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा फेवर हो गए थे उसके. रिएक्टेंट जो था आपका वो ज़्यादा
स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो सब्स्टिट्यूएंट की वजह से आपका जो रिएक्शन है, रिएक्शन की सेंसिटिविटी है, रिएक्शन डिपेंड करता है आपका इस सब्स्टिट्यूएंट पे, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन कांस्टेंट, राइट। रिएक्शन कांस्टेंट होता है सेंसिटिविटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ सेंसिटिव अ केमिकल रिएक्शन इज, राइट, डिपेंडिंग ऑन दिस सब्स्टिट्यूएंट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो थोड़ा सा हम रिएक्शन कांस्टेंट के बारे में और देखते हैं अभी। सबसे पहले आपको यह समझना है दैट रो मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ रिएक्शन टू दिस, रो मेजर्स द, दिस रो मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स फैक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स ऑफ दी सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट। ये आपको लिखना है, लेट मी जस्ट रब ऑल दिस, क्योंकि मैं जब सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर रहा हूं, राइट, तो क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन में कंपाउंड की चेंज हो रहा है। अब जिस तरीके से आयोनाइजेशन में चेंज हो रहा है सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के, उसी तरीके से कोई कंपाउंड होगा, अगर ऐसा मान लो कि ये एस्टर है, अगर ये एस्टर है, इसमें अगर मैं ऐड कर देता हूं, राइट, अगर इसको मैं कहीं रिएक्ट कर रहा हूं या इसको मैं हाइड्रोलाइज कर रहा हूं, राइट, तो इसको ऐड करने पे, अगर जब ये नहीं होगा तो एसिड बेस इक्विलिब्रिया कुछ और होगा। अगर मैं ऐड कर रहा हूं ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ये क्या करेगा, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, जब इसमें कोई रिएक्शन होगा इस कंपाउंड में, राइट, वो इस पूरे आयन को भी तो इफेक्ट करेगा। अगर मान लो ऐसे कुछ आयन बन जाता है, इसको भी तो इफेक्ट करेगा। राइट, सो रो विच इज योर रिएक्शन कॉन्स्टेंट, ये क्या है बेसिकली, सेंसिटिविटी, इट टेल्स यू अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ रिएक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं या डोनेट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। रिएक्शन कॉन्स्टेंट क्या है और सिग्मा क्या है, राइट, आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अब देखिए, अगर रिएक्शन कांस्टेंट भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, राइट। देखिए, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, हमने पढ़ा सिग्मा की वैल्यू, के की वैल्यू हमने पीछे देखा था अभी, के की वैल्यू जब इंक्रीज हो रही थी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप ऐड करने पे, तो सिग्मा एसिड ज्यादा एसिडिक हो जा रहा था कंपाउंड, सिग्मा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी, राइट। अब ये कहते हैं हम, जो रिएक्शन दिए जो है, जो रिएक्शन कांस्टेंट है, ये आपको बताता है हाउ सेंसिटिव द रिएक्शन इज टुवर्ड्स द इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, राइट। जब इस सब्स्टिट्यूएंट ने, अगर मान लिया जाता है ये सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट ने, राइट, सिग्मा की वैल्यू बढ़ा दी अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में, जब मैंने हाइड्रोजन को नाइट्रो से रिप्लेस कर दिया, तो के की वैल्यू बढ़ी, सिग्मा की वैल्यू भी बढ़ी, राइट। और जो आपका रिएक्शन था वो प्रोडक्ट साइड में ज्यादा चला गया, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल हो गया, राइट, ये इधर की तरफ ज्यादा चला गया, राइट। सो रो होता है हाउ सेंसिटिव दिस रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो अगर देखिए, अब रिएक्शन इधर को चला गया, प्रोडक्ट साइड पे चले गया, तो रो की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव, राइट। ये जब पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो ये भी पॉजिटिव होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए, अगर K
के की वैल्यू, अगर हमने जब मैंने मिथाइल ग्रुप ऐड किया था यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो सिग्मा की वैल्यू